हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड हैं और वो दोनों मेथड कब किस सिचुएशन में यूज़ होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पार्टनरशिप के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए जो पार्टनर्स होते हैं दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द फर्म। तो अभी क्या होता है कि कई जो पार्टनर्स, किसी को सैलरी मिलती है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उनमें से किसी पार्टनर ने ड्राइंग लिया होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा उससे। इसी तरह से किसी पार्टनर ने कमीशन लेना होता है कुछ काम करने के बदले। तो क्योंकि हर एक पार्टनर अपना अपना तरीके से काम करता है तो उसके कैपिटल में अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, एक को सैलरी चाहिए और बाकी दो को नहीं चाहिए, तो इससे पार्टनर्स कैपिटल में सैलरी सिर्फ एक ही पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगी, ना कि दोनों को। तो इसीलिए हम इससे ये समझ रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में इसीलिए हम कहते हैं, इसमें ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स फॉर्म हैज़ मोर देन वन ओनर एंड देयरफॉर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर सेपरेटली। तो हर एक के लिए अलग अलग से अकाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि सबके लिए अलग अलग ट्रांजैक्शंस करनी होंगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया, एग्जांपल से भी समझ सकते हो, कह रहे हैं कि अतुल, अमित और अखिल ये तीन पार्टनर हैं और वन ईच फॉर अतुल, अमित एंड अखिल, ये तीनों के लिए आपको अलग अलग कैपिटल बनाने पड़ेंगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो दो मेथड हैं जो हमें सीखना है, एक तो होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है? बेसिकली फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जो है, जब कई बार क्या होता है, आप देखोगे कि पार्टनर्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर ही कि हम लोग जो पैसा बिजनेस में यानी कि फॉर्म में लगाएंगे वो पैसा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई अल्टरेशन, बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में उन्हें पार्टनर्स, फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर इसके बारे में साइलेंट इक्वेशन, यानी कि पार्टनरों ने ये इस बात का डिसीजन नहीं लिया, तो दूसरा मेथड बनता है, तो दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में। देखिए फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो इसके लिए दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। दो अकाउंट हैं, पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए, और करंट अकाउंट जो अल्टरेशन वाली चीज़ें हैं वो दिखाता है। तो इसको हम लोग एक फॉर्मेट के थ्रू अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा, ये हम लोग अभी करने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ये रहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो आपको ये दो अकाउंट बनाने ही होंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जैसा कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उनकी कैपिटल अल्टर नहीं होनी चाहिए, लेकिन दो सिचुएशन हैं जिसमें उनकी कैपिटल अल्टर हो सकती है, यानी कि चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन से। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है? ये बैलेंस है जो उन्होंने बिजनेस में स्टार्ट किया होगा। जैसे जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्टनर हैं, मान लीजिए एक्स, वाई और जेड। तो आप देख सकते हो कि इनका, इन्होंने जो बिजनेस में पैसा लगाया होगा वो पैसा हमें यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन करके दिखाना पड़ेगा। अब ये हमेशा पॉजिटिव यानी कि क्रेडिट साइड में ही आता है, डेबिट में नहीं आ सकता। आप देख सकते हो क्रेडिट साइड यहाँ पे, तो ये इधर ही इसलिए आएगा क्योंकि पैसा जब वो लगाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा वो अमाउंट, माइनस में तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए वो पॉजिटिव ही होगा। अब मान लेते हैं कि तीनों पार्टनरों ने पैसा लगाया, एक ने लगाया, एक्स ने लगाया 1 लाख और इसी तरह से वाई ने लगाया 2 लाख और जेड ने लगाया 3 लाख। ठीक है, ये 1 लाख है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख। इसी तरह से फिर आता है एडिशनल कैपिटल। कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी पार्टनर को अचानक ही पैसे लगाने का मन करता है तो वो और पैसा लगा सकता है, या कई बार पार्टनर्स भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार पैसे फॉर्म में कम हो रहे हैं तुम लगा दो। तो ऐसे में इनमें से कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर या हो सकता है सारे पार्टनर पैसे अलग से एडिशनल कैपिटल लगाएं। हम मान के चलते हैं कि एक पार्टनर जो कि वाई है उसने 1 लाख रुपए
बीच में पैसे लगा दिए, अब वो क्वेश्चन में गिवन रहता है कि उसने पैसे कब लगाए, मतलब वो मंथ आपको बताएगा कि उसने दिसंबर में लगाए या फिर जून में लगाए, समथिंग लाइक दैट, ऐसे बताएगा वो। तो मान लो कि इसने 1 लाख रुपए फिर लगा दिए इसने, अच्छा अब ये हो गया। फिर इसी तरह से हो सकता है कि उसने अपने ही कैपिटल में से पैसे निकाले हों, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो अगर वो अपने ही कैपिटल में से कुछ पैसे निकाल लेगा तो इससे उसका कैपिटल कम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपना पैसा निकाल दिया, तो इसीलिए वो इस तरफ आएगा डेबिट साइड में। देखो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए नहीं, पार्टनर्स के लिए बन रही है, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होता है। तो जब पार्टनर का पैसा बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, पार्टनर का पैसा घटेगा तो डेबिट होगा। तो आपको बड़ा सिंपल रखना है कि बस आप ये सोचना कि पार्टनर का पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर पार्टनर का पैसा आ रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ता चला जाएगा, और पार्टनर के पैसे में से पैसा निकल रहा है तो फिर उसका कैपिटल घटता रहेगा। तो इसीलिए आपने देखा जब उन्होंने पैसे लगाए तो उनका तीनों का पैसा बढ़ गया। फिर इसी तरह से एडिशनल कैपिटल लगाया तो वाई का पैसा जो है क्रेडिट हो गया, बढ़ गया। अब क्योंकि एक पार्टनर अपना पैसा अगर निकालता है तो उसका पैसा डेबिट होगा। अब मान लेते हैं कि आपको लिखना है टू कैश या बैंक, जो भी आपको डिजायरेबल लगे, अगर वो चेक के थ्रू निकाल रहा है तो बैंक, बेसिकली हम लोग टू बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक्स ने 50,000 निकाल लिया, 50,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000, क्योंकि वाई ने कुछ नहीं किया तो डैश रहने देंगे, जेड ने कुछ नहीं किया तो डैश रहने देंगे। अब बस इतना ही है, इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो बस हमें क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल करके आप देख सकते हो, सबसे पहले देखोगे क्रेडिट साइड में इसका 1 लाख है टोटल और इसका 50,000 है, तो जो सबसे ज़्यादा टोटल होता है इसके नीचे हम लिख देंगे 1 लाख, और यहाँ पे लिख देंगे, और 1 लाख यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे, और जो भी बैलेंस आएगा आप देख सकते हो 1 लाख में से 50,000 माइनस करने पे बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच रहा है, 50,000। तो हमने क्या किया, 50,000 इसका लिख दिया। इसी तरह से वाई में देखिए, क्रेडिट साइड में आ जाओ, देखो 2 लाख है और इसके बाद 1 लाख अलग से लाया था, तो कितना हो गया, 3 लाख। तो 3 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 3 लाख यहाँ वाई के नीचे भी लिख के, और हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लाख लिख देंगे यहाँ पे दिस साइड 3 लाख, और क्योंकि इसमें से माइनस कुछ नहीं हुआ था तो इसका भी आंसर 3 लाख आ जाएगा। तो एंड सो, तो इसी तरह से हम जेड का भी कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बस इसका पार्टनर्स कैपिटल बना के ऐसे ही छोड़ देना है, और इसका कैरिड डाउन को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसका कैरिड डाउन सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आप देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो ये अकाउंट भी साथ में ही बनाना पड़ता है। ये कब बनाना पड़ता है, जब पार्टनर्स फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, जब फिक्स कैपिटल का मेथड यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको लिखना है, और सेम वही तरीका है, हम अलग अलग से अकाउंट भी बना सकते हैं बट इसमें टाइम कंज्यूम होता है, हमें ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। तो एक्स वाई जेड यहाँ लिख दिया, यहाँ एक्स वाई जेड लिख दिया, ये पर्टिकुलर्स है, और यहाँ पे आप देखिए जितना भी पैसा पार्टनरों का आता रहेगा यहाँ पे आएगा इस साइड, और जितना भी जाएगा इस साइड आएगा। लॉजिक वही है जो हमने पीछे किया, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो होगा, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो दिखाएंगे। अब वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप सोच रहे होगे सर बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हमने ऊपर भेज दिया, जो आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन ऊपर भेजा है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन फिक्स कैपिटल का था। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वो बोलता है कि बिजनेस में उन्होंने पैसा लगाया, दैट इज़ फिक्स कैपिटल। अगर उन्होंने करंट बैलेंसेस दिए होंगे तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा कि पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस, और ब्रैकेट में लिखेगा करंट बैलेंसेस, तभी आपको लिखना है, नहीं तो डैश डैश लगा के आपको छोड़ देना है। अब जैसे मान लीजिए करंट बैलेंसेस दे रखा है, सपोज करो दे रखा है 50,000, ठीक है, फिर इसका भी 50,000 है और इसका सिर्फ 40,000 है, तो आपको एज इट इज़ लिख देना है। इसी तरह से फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने पिछले टॉपिक में किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि हर एक पार्टनर कैपिटल लगाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलता है, तो वो कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है कि कितना महीने यूज हुआ वो कैपिटल, और उसका रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फिलहाल आप फॉर्मेट समझ रहे हो, मान के चलो कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व कर लिया, इसकी कैलकुलेशन आगे चल के हम टॉपिक में सीखेंगे। तो मान के चलो कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया है तीनों पार्टनरों का, दो पार्टनरों ने कैपिटल लगाया था, तीनों ने ही लगाया था इनफैक्ट, तो कैपिटल जो निकलेगा वो फिक्स कैपिटल पे निकलेगा, जो हमने यहाँ लिखा था। याद रखना, आपने जो फिक्स कैपिटल लिखा था यहाँ पे ये वाले कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। तो आपने जो भी इंटरेस्ट निकाला होगा, मान लो कि इसका इंटरेस्ट 10% के हिसाब से रहा होगा, तो जो भी पैसा है 1 लाख के, अगर हम 10% करें, तो सपोज करो, ये मान के चल रहा हूँ मैं, इमेजिनरी है, कि हम लोगों ने 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया था, 20,000 इसका आ गया था और 30,000 इसका आ गया था,
तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पे निकाला है, ये जो हमने कैपिटल शुरू में डिस्कस किया था 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसका 10% मैंने निकाला है। फिर नेक्स्ट आता है कमीशन। कमीशन हो सकता है किसी पार्टनर का हो या ना हो, तो कमीशन ये जिस पार्टनर का भी कमीशन मिला होगा वो पार्टनर के कमीशन के नीचे, जैसे मान लो एक्स को कमीशन मिला है 5000 का, तो हम एक्स के नीचे 5000 लिख देंगे बस। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हो, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको याद होगा पिछले टॉपिक में मैंने वीडियो में डिस्कस किया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपका जब आंसर डिस्कस किया था हमने, कि जब आंसर आ जाता है तो उसको हम पार्टनरों में बांट देते हैं। तो अगर पार्टनर पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर अगर प्रॉफिट आया होगा तो वहां का जो पैसा है वही पैसे को हमें बांटना है। यहाँ पे उसका प्रॉफिट कहाँ आता है आप पिछले वीडियो में देख सकते हो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में आता है और लॉसेस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो जो भी प्रॉफिट डेबिट साइड में आया होगा हमने तीनों पार्टनरों में एक्स वाई जेड में बांट दिया होगा, वही ये वाला पैसा यहाँ पे हमें भेजना है। मान लो कि वहाँ पे कुछ बैलेंसेस आए होंगे 10,000 20,000 30,000 जैसा भी है, ये इमेजिनरी वैल्यू है ध्यान रखिएगा। तो ये 20,000 लिख दिया और ये यहाँ पे तो हमने 30,000 लिख दिया, तो ये हमने सारे बैलेंसेस यहाँ पे हमने भेज दिए हैं, दिस इज 10,000, तो ये हमने भेज दिया। अब आ जाते हैं हम लोग डेबिट साइड में। यहाँ पे सबसे पहले अब डेबिट साइड में आप देख रहे हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस में माइनस में भी जा सकता है। तो अगर बैलेंस डेबिट बैलेंस बुक में अगर लिखा है कि पार्टनर का जो बैलेंसेस है वो क्रेडिट है, तो इसका मतलब वो हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस ही होगा। और नहीं भी लिखा है तब भी हम मान के चलते हैं कि बैलेंस पॉजिटिव ही होगा। सपोज करो, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस, ब्रैकेट में लिखा है करंट अकाउंट 50,000 50,000 एंड 40,000, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेबिट नहीं वर्ड यूज़ किया, कुछ नहीं बोला उसने, तो ऑटोमेटिकली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव अमाउंट रहा होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव साइड में लिखा है। अगर मान लो डेबिट बैलेंसेस लिखा रहता, इस तरह लिखा रहता कि पार्टनर्स कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यूँ लिखा रहता पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लिखा रहता करंट बैलेंसेस डेबिट लिखा रहता, तो हम डेबिट साइड में लिखते। अब फिलहाल दोनों में से एक ही जगह आ सकता है, मान लो अगर डेबिट बैलेंस में होता तो हम यहाँ लिखते। फिर आ जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में पार्टनर ने कितना ड्राइंग किया, देखिए दो तरह की ड्राइंग होती है, एक तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो हम ऊपर लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ सर्कल कर रहा हूँ, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है उसने अपने ही कैपिटल में से पैसे निकाले, और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर उसने अपने ड्राइंग फॉर्म में से निकाला है तो फिर हम उसे बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जब तक अगर क्वेश्चन में लिखा है कि खाली उसने ड्राइंग्स किया, दैट मीन्स उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया। जब तक स्पेसिफिकली ये ना बोले कि ड्राइंग्स अगेंस्ट हिज कैपिटल, तब तक हम यही मान के चलते हैं कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे। एक्स का बैलेंस होगा तो एक्स के कॉलम में, वाई का होगा तो वाई में, जेड का होगा तो जेड में। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉल्व करना पड़ेगा, हम आगे चल के सीखेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन हुआ तो आपको जितना भी गिवन होगा वो आपको लिखना है। मान लो वाई का ड्राइंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो बताएगा कितना है, वो आपको यहाँ लिख देना है। बस इतना करने के बाद आप चेक करोगे कि डेबिट साइड का कॉलम ज़्यादा बड़ा आ रहा है कि क्रेडिट का। जैसे एक्स के बारे में मैं दिखा रहा हूँ आपको, मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 5,000 कर लेते हैं इमेजिनरी। अब एक्स का खाली देखो, क्रेडिट साइड में देखो जरा एक्स का टोटल कितना आ रहा है, 50, 10, 5 और 10, कितना हो गया 75,000 हो गया। तो इसका टोटल जो है हम लोग यहाँ पे 75,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका टोटल कितना है, सिर्फ 5,000, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे नीचे 75,000 लिख के और यहाँ पे भी 75,000 लिख देंगे यहाँ पे, और माइनस कर देंगे इसमें से 5,000, तो कितना बच गया 70,000। तो जो आंसर हमारा जो निकल के आया दैट इज 70,000। तो एक्स का आंसर कितना आ गया 70,000। इसी तरह से वाई को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे किस तरफ ज़्यादा है, और जिधर का कम पड़ेगा उधर हम लिख देंगे, अब वही आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हमने सीख लिया पहला मेथड। कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड। अगर पार्टनरों ने बोला है कि फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर हमें दो अकाउंट बनाना है, एक तो हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम ये वाला बनाएंगे, इसके अंदर बस ध्यान रहे ये हम सिर्फ एक ही ये लेंगे, और ये कब लेंगे जब खाली पार्टनर्स कैपिटल बोला हो, और उसके बाद एडिशनल आया होगा तो ले लेंगे, और उसने विड्रॉ किया होगा खास करके अगेंस्ट कैपिटल तभी, और जो आंसर आएगा हम लिख के छोड़ देंगे। इसी तरह से करंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, करंट बैलेंसेस है उसे लेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, कमीशन जो भी है जैसे कि हमने डिस्कस किया, और लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो आंसर है जो आप देख रहे हो ये डेबिट बैलेंसेस में ये जो आया है ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा,
और ये जो बैलेंसेस आया ये भी लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट की। उम्मीद करता हूँ ये आ गया होगा। अब हम लास्ट मेथड सीखने जा रहे हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब बनाएंगे? जब हम मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में सिर्फ हमें एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, उसका मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ और मेथड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कह रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ये हमारा दूसरा मेथड है। ये कब बनता है? जब पार्टनर साइलेंट है, क्वेश्चन खाली इतना बोला हुआ है कि पार्टनरों ने डिसाइड किया कि जो है पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करेंगे और कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आपको इमीडिएटली समझ जाना है कि फ्लक्चुएटिंग ही है। इसी मेथड का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं एग्जाम में, अगर किसी किसी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोलता है। तो अब हम फॉर्मेट इसका समझते हैं कैसे करेंगे इसमें। ये रहा देखिए इसका फॉर्मेट आपके सामने, इसमें हम जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें करंट अकाउंट और फिक्स कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, हमारा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, वो हमें लिख देना है। क्वेश्चन डिसाइड करेगा क्या दिया हुआ है। मान के चलते हैं वही क्वेश्चन होता तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख लिख देते। अब एडिशनल कैपिटल, हो सकता है कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है, तो जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था एडिशनल कैपिटल ऐसे ही लिख देते। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी पार्टनर का निकला है, तो मान लो वाई का निकला है, तो वाई के कॉलम के नीचे लिख देते, एक्स पे और जेड में हम डैश डैश लगा देते। इसी तरह से कमीशन, इसी तरह से सैलरी। अब ये वाला देखो डिस्कस करने वाला है, मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हमने पीछे सीख लिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया होगा, वहाँ से जो भी प्रॉफिट आया होगा, जिस जिस पार्टनर को जितना जितना हमने बांटा होगा, वो हमें यहाँ पे भेज देना है। इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे एकदम अच्छे से हमने समझा था। फिर आप आ जाते हैं हम डेबिट साइड में। डेबिट में पार्टनर को जो नुकसान हुआ है, एक तो आपको कह रहा है डेबिट ओपनिंग बैलेंस। कई बार मैंने जैसा कि आपको बताया, कई बार पार्टनर का बैलेंस माइनस में भी हो सकता है। अगर माइनस में हुआ तो यहाँ पे हम उसके बैलेंसेस को लिखेंगे। ध्यान ये रखिएगा, अगर ये माइनस में हुआ तो यहाँ नहीं आएगा, इन दोनों में से एक ही जगह आ सकता है, या तो राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में। फिर आ जाता है टू कैश और टू बैंक। आपको याद होगा हमने ड्राइंग सीखा था अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, वहाँ पे अगेंस्ट कैपिटल फिक्स में जाता था और अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता था। यहाँ अच्छी बात क्या है, दोनों यहीं आएंगे, तो टू कैश और टू बैंक लिख के यहाँ बैलेंसेस लिख देंगे। अगर उसने अगेंस्ट कैपिटल किया होगा, यानी अपने ही पैसे अपने ही कैपिटल में से निकाला होगा किसी मालिक ने, तो और इसी तरह से किसी पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स किया आउट ऑफ प्रॉफिट तो यहाँ आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होता है, जो भी होगा वो हम यहाँ पे भेज देंगे। और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा फॉर्म को, पार्टनरों को कई बार क्या होता है, फॉर्म प्रॉफिट या लॉस हुआ होता है फॉर्म को, ये तो हम उस लॉस को हमने बांटा होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें बांट देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वही प्रॉफिट एंड लॉस है जो हम अप्रोप्रिएशन में बना रहे थे, हो सकता है कि वहाँ पे लॉस हो गया हो, तो ये वो इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में से एक ही आएगा। अब जैसे हमने पहले सीखा, टोटल करेंगे, जिस तरफ पहले टोटल ज़्यादा है उधर ही का टोटल करोगे, दूसरे के साइड में लिख के। और जैसे मान लेते हैं कि एक्स का टोटल ज़्यादा है, तो एक्स वाले कॉलम में यहाँ टोटल लिख देंगे। सपोज करो इसका टोटल 10 लाख आ गया, तो 10 लाख यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे भी 10 लाख लिख के, और जितना भी वैल्यू है वो हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब आंसर हमारा कैरिड डाउन निकल जाएगा। तो ये था इस टॉपिक में, बहुत ही आसान टॉपिक है, क्वेश्चंस हम करेंगे तो आ जाएगा। ये टॉपिक करने के बाद आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें जर्नल एंट्री बोलेगा, तो जर्नल एंट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो हमने सीखा है पिछले वीडियो में, वो आपको यूज़ करना है। और पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमेशा बस ये याद रखना है कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड बोला है, तो आपको जर्नल एंट्री लगाते समय, पार्टनर का कैपिटल लिखते समय, आपको करंट वर्ड यूज़ करना है, करंट अकाउंट। तो उस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहाँ जर्नल एंट्री हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको जर्नल एंट्री करने की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से रिफ़र कीजिए। फिलहाल हमने फॉर्मेट यहाँ पे समझ लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल्स में जब सॉल्व करेंगे तो इस जो हमने यहाँ पे सीखा है इसको यूज़ करने वाले हैं आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप देखते रहो और नोटिफिकेशन आते रहें आपके पास। थैंक यू।